हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में। आज तो ये है सैमी का ब्रेकफास्ट। सैमी सुबह दूध और कॉर्नफ्लेक्स लेके जाएगी स्कूल। तो ये ना फटाफट से हो भी जाता है, हेल्दी एंड क्विकली बन भी जाता है। और ये लिटिल के लिए मैं दूध बनाई हूँ, मेरे लिए लेमन जो गर्म पानी होता है वो। तो ये सब लेने के बाद, सैमी को स्कूल भेजने के बाद, मैं ना सुबह सुबह ही खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ना घर में कोई आने वाला है। तो सुबह मैं इतनी जल्दी खाना नहीं प्रिपरेशन करती हूँ, बाद में ही करती हूँ, तो धीरे धीरे करके मैं कर ली हूँ। तो ये ना मिष्टी कुमड़ा की छौंक लगाई थी और बैगन फ्राई, ठीक है, और साथ में ऑमलेट बनाऊँगी वो तुरंत। और ये दाल भी बन गया है और ये चावल भी बन के रेडी हो गया है। और सैमी का स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है ये सब करते करते। और तो आज का स्कूल कैसा रहा बताओ? अच्छा, गिर गया? कौन गिर गया ब्रेक लगा के? फ्रेंड्स गिर गया? इसलिए ना तुम जब गाड़ी में बैठोगे तो पकड़ के बैठना, ठीक है, नहीं गिरोगे, ठीक है। आजो आजो, अंदर आओ अंदर आओ, शू उतारो बुनुआ के लिए। टिफिन खाई थी क्या? ओके ठीक है। क्यों क्यों चॉकलेट दी थी? किसी के बर्थडे थी क्या? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसी दे दी? ऐसी। अच्छा दिखाओ, ठीक है अभी मैं रख देती हूँ। फ्रिज में तुम रखोगे? ठीक है रख दो। ठीक है रख दो रख दो, अंडे के पास, ठीक है ठीक है, फ्रेश हो लो। आ गई? ठीक है छोड़ दे, जा आ जा अंदर, चलो पार्सल। और सैमी स्कूल से आने के बाद मेरा पार्सल भी आ गया है, तो मैं सैमी को भी बोली कि तुम जाके लेके आओ, बट बहुत भारी है। और इसमें आई है लिटिल का बहुत सारा ड्रेस, क्योंकि ना सामने उसका ऑकेशन है इसलिए। तो ये सब आप लोग को झटपट में खोल के दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये देखो और भी आने वाला है, तो ये सब आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। और एक ड्रेस कुछ टाइम बाद ही आई थी, तो वो है ये ड्रेस, आप देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम अम्ब्रेला का जो ड्रेस होती है, एकदम बार्बी डॉल जैसा लग रहा है। चलो पहना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो बहुत ही प्यारा लग रही थी, डिसेंट लुक दे रही थी, आई मीन पार्टी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है। और भी ज़्यादा मैं ना चार ड्रेस लाई हूँ, तो मैं आई थिंक ज़्यादा नहीं दिखा सकती, क्योंकि ना ये बहुत रो रही है। तो चलो नेक्स्ट जो ड्रेस लाई हूँ ना, वो तुम्हारे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। लिटिल बहुत रो रही थी, तो इसी चक्कर में ना मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत ही रो रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब। वेल चलो ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ, ये भी ना पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अंदर से ना बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से थोड़ा वो है, खड़खड़ा टाइप का है, हार्ड टाइप का, और अंदर ना बहुत सॉफ्ट टाइप का है। इसका डिज़ाइन ही ऐसी है कि आप देख सकते हो, बहुत ही डबल ट्यून दे रही है, डबल ट्यून उसका कलर है। तो जो आने वाला है, कौन आने वाला है आप लोग देखे तो समझ गए हो, ये मेरे पापा आए हैं, पापा मम्मी आ गई है, क्योंकि ना लिटिल का एक फंक्शन है इसलिए। तो पापा आके फ्रेश वगैरह हो ली थी, पापा मम्मी दोनों ही, और आते आते इन लोगों का ट्रेन लेट था, जिसकी वजह से क्या है ना दोपहर के टाइम आ गई थी। तो आने के बाद ये देखो, पापा जब जितनी बार आते हैं ना, भर भर के बहुत कुछ लेके आते हैं हम लोगों के लिए, तो इस बार भी ना बहुत कुछ लेके आए थे। मैं आप लोगों के साथ इंडिविजुअली शेयर करूँगी वो ड्रेस, मेरे लिए बहुत सारा ड्रेस वगैरह लेके आए हैं, ये देख सकते हो। वेस्ट बंगाल का जो मिठाई वगैरह है ना, ये सब भी लेके आए थी। फिर लिटिल के लिए, सैमी के लिए बहुत सारा ड्रेस, डॉल, क्या ही बताओ, बहुत कुछ आप लोग तो देख ही रहे हो।
मैं इतना कुछ नहीं बोल सकती, बहुत सारा है ये सब पैकेट में जो है ना, आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूँगी ज़रूर। और ये सब देख रहे हैं ना, लिटिल का फंक्शन है इसलिए काशा का थाल बाटी ग्लास सब कुछ गोल्ड वगैरह सब कुछ लेके आई है। और देखो लिटिल सो रही थी, लिटिल भी उठ गई है, ये भी मज़ा कर रही है। और ये पर्स जो है ना वो पापा ठीक कर रहे हैं, पर्स भी सब कुछ लेके आई थी। मैं इतना इसको खरीद नहीं देती हूँ क्योंकि ना वो जो भी मांगती है ना पापा दे देती है, मैं नहीं देती हूँ। तो उसके पापा भी नहीं देना चाहते हैं, पर मेरे पापा ना है ऑलमोस्ट रेडी रहता है नहीं। और ये देखो ये जो साड़ी है ना ये भी लाई है मेरे लिए। और यहाँ पे देखो लिटिल भी बहुत मस्ती कर रही है। अभी वॉकर में उसको ना थोड़ा थोड़ा मैं बैठाने के लिए रेडी कर दी हूँ। और शाम के टाइम में हस्बैंड आके बाथरूम गई है फ्रेश होने के लिए, तो उसके लिए मिठाई निकाली हूँ। देखो ये वेस्ट बंगाल की मिठाई है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और यहाँ पर मम्मी किचन में आते ही मम्मी किचन में घुस गई है क्योंकि मम्मी आ गई ना, मैं ना हाथ उठा देती हूँ, बस मम्मी आप करो मुझे नहीं कुछ करनी है अभी। तो मम्मी मेरे लिए बना रही है, मम्मी को बोली कि आपके हाथ का ये बहुत मुझे टेस्ट लगता है। तो मम्मी ने बनाई है एग ब्रेड, तो ये ना कुछ डुबो के डिप करके बनाती है, इसका टेस्ट अलग होता है। हम लोग ऊपर से देती है तो उसका टेस्ट अलग होती है। तो मम्मी अभी ये बना रही है, देखो हो गई है। ऐसे करके ना दोनों साइड को ना अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा, और आने के बाद उसको और खिलौना चाहिए जिसके लिए पापा उसको लेके गई है कि बोली दादू मुझे ये क्यों नहीं ले दिया, वो क्यों नहीं लेके दिया। तो इसी चक्कर में पापा बोले चलो। तो मेरे घर के सामने विशाल है, आप लोगों को बोली हूँ कि मेरे घर के सामने ही मॉल है, तो इसलिए ना कुछ भी होता है कि हम लोग मॉल चले जाते हैं। तो इसी चक्कर में पापा उसको लेके मॉल चली गई है। और लिटिल के लिए ये सब लाई थी, तो लिटिल को मैं पहना दी कि वॉकर में ठंड लगेगी नीचे में, खाली पैर में है तो ये सब पहन के बैठी है लिटिल भी। तो आज ये देखो ये कितनी यम्मी दिख रही है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी दिखती है। तो मेरा हस्बैंड भी देख के बोले कि चलो चलो मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड मिठाई वगैरह खा रही थी मूढ़ी वगैरह, तो ये भी हस्बैंड ने भी ट्राई कर ली क्योंकि ना बहुत ही अच्छे बना था। और इसी बीच ना मैं वीडियो शूट नहीं की थी, ये सब लेके आ चुकी थी एकदम फालतू का चीज़ क्या ही बताऊँ इस।